हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ अरवी के पत्ते की रेसिपी शेयर करने वाली। अरवी के पत्ते की सब्ज़ी बनाना थोड़ा सा तो ये मुश्किल होता है अगर आपने नहीं बनाया है तो, लेकिन खाने में भी इतनी ही मज़ेदार लगती है। और नॉनवेज वाले के लिए तो ये मतलब फ़िश जैसी, ये जो रेसिपी रेडी होती है बिल्कुल फ़िश के टेस्ट की होती है। तो यहाँ पे मैंने पत्ते को अच्छे से वॉश कर लिया है। ये अरवी के पत्ते हैं, आपने देखा ही होगा और आपने बनाया होगा तो आपने अपने तरीके से बनाया है। आज मेरा तरीका देखिए बनाने का। तो मैं यहाँ पे सारे अरवी के पत्ते के जो डंठल है उसे मैं काट लूँगी कैंची से, और मैंने काट लिया है। और यहाँ पर अब हम मसाले रेडी करेंगे। तो मैंने चने का बेसन मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, और 1 चम्मच मैं मसूर दाल की बेसन लूँगी। यहाँ पे मैं कोई चावल के आटे नहीं लेने वाली। और यहाँ पर मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1-1 स्पून। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो मैंने छोटे स्पून से 2 स्पून लिया है। यहाँ पे मैं प्याज लहसुन की थोड़े से पाउडर डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने खटाई डाली है, वो 3 चम्मच मैंने ली है, क्योंकि अरवी के पत्ते काटते हैं इसलिए गले को। और यहाँ मैंने नमक डाला है, और अदरक और लहसुन की पेस्ट मैंने 1 चम्मच डाल दी है। अब पानी डाल के हम इसकी अच्छी से एक थिक पेस्ट बना लेंगे। जो आमचूर का पाउडर है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा करके डालिएगा, क्योंकि अरवी के पत्ते जो होते हैं ना वो गले को काटते हैं कभी कभी। कोई कोई तो बहुत काटने वाला होता है, कोई कम होता है, लेकिन सब इसकी सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करती है ये। और यहाँ पर मैं एक एक करके पत्ते को प्लेट में डाल रही हूँ, उसके ऊपर मैं ये मसाले लगाते चली जाऊँगी। और उसके बाद एक के ऊपर एक दूसरे पत्ते, और आधे तिरछे करके पत्ते को, मतलब इस तरीके से हमें करना है कि हमें एक राउंड शेप में सारे पत्ते को एक पत्ते के ऊपर पत्ते डालते जाने हैं, और इस तरीके से हमें उसके ऊपर मसाले लगाते जाने। तो ऐसे जैसे देखा आपने, एक को मतलब उल्टा सीधा करके डालते जाना है आजू बाजू ऐसे करके, और मैं डालती जाऊंगी और सारे मसालों को लगाते जाना है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अरवी के जो पत्ते होते हैं वो उसके उसके डंठल जो पीछे से निकाल लेना है, और पीछे से अगर इसके मोटे मोटे तने दिखे तो उसे भी आप चाकू की हेल्प से कट करके निकाल दीजिए। तो नहीं तो मतलब वो गले को काटते हैं और लगते हैं ये। तो यहाँ पर मैं वही डाल रही हूँ। दूसरी बात है कि अगर आपके पास आमचूर के पाउडर ना हो तो आप नींबू के जो जूस होते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं। वो नहीं हो तो आप यहाँ पे नींबू शत आते हैं वो भी डाल सकते हैं। कुछ खट्टा इसमें होना चाहिए, तो खट्टे के लिए आप इससे ज़्यादा, या फिर कच्चे आम, आप कच्चे आम की पेस्ट डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब डाल करके मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, और फोल्ड इसे इस तरीके से करना है, टाइट करके करना है जिससे कि एकदम रोल बन जाइए। तो हमें रोल की तरह एकदम कर देना है इसे बराबर। और चूंकि हमने इसमें बेसन की पेस्ट लगाई हुई है तो काफ़ी अच्छे से आपस में चिपक जाती है, और एक अच्छी सी रोल बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं इन सारे मैंने रोल को रेडी कर लिया है। अब हम धागे से इसे बांध लेंगे। तो चूंकि ये बहुत लंबी है तो हमें बॉयल करने में दिक्कत होगी, तो मैं बीच से इसे कट कर देती हूँ। और ये 2 टुकड़े मैंने कर दिए हैं, और दोनों को मैंने अलग अलग बांध दिया है जिससे कि ये खुलेंगे नहीं। और अब मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है, कढ़ाई में एक स्टैंड डाल दी है, उसके ऊपर मैं ये जाली डाल रही हूँ, ये कुकर के साथ में जो आती है वो वाली है, और इसी के ऊपर मैं डाल दूँगी दोनों को, और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएगी इसके साथ में। तो पानी नीचे, आपको नीचे स्टैंड के नीचे, मतलब प्लेट जो हमने डाला है, जाली डाला है, उसके नीचे रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पूरे पत्ते जो है वो गल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी जो है 10 मिनट इसे गैस की फ्लेम को लो करके रखना है, और इसे उलट पलट एक बार उलट लीजिए। तो इस तरीके से ये 10 मिनट लगते हैं अच्छे से बॉयल होने में, तो मतलब स्टीम होने में, सॉरी। तो स्टीम हो गई है अच्छे से, तो मैंने इसे निकाल लिया है। इसे आपको बहुत ही अच्छे से पेशेंस के साथ स्टीम करना है, नहीं तो ये मतलब गले में को काटते हैं, इसलिए इसको बनाने में अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी ये जो रेसिपी है ये बनती है। अब उसे ठंडा होने देते हैं, तब तक मसाले बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच लिया है सरसों पीली वाली, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, उसके बाद मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच। इसके बाद यहाँ पर हमें डालना है नमक
मैं नमक स्वाद के अनुसार डालूंगी यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा तेज़ नमक भी चलता है। और यहाँ पर मैं दही डाल रही हूँ, दही मैं 3 चम्मच डालूंगी। ये दही जो है थोड़ी खट्टी है, तो थोड़ी सी खट्टी दही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टा होना चाहिए सब्ज़ी में। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर डाला है, लहसुन अदरक की मैंने पेस्ट डाली है 1 स्पून। और अब हम बंद करके इसे हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना ली है एक बारीक सी पेस्ट। तो मसाले हो गए हैं, अब यहाँ पे ये भी ठंडे हो गए हैं, तो मैं इसे खोल देती हूँ इसके धागे। और धागों को खोलने के बाद इन सबको खोल के हटाना है, तब हम इसे इसकी हमें स्लाइस बना लेनी है, कट करके पीस बनानी है अलग अलग। तो चलिए धागे मैंने निकाल दिए हैं, अब मैं कट कर लेती हूँ। चूँकि ठंडा हो गया है तो अब काटने में आसानी से ये कट जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे इसी तरीके से स्लाइस बना लूँगी सबकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको स्लाइस बना लेनी है, कट करनी है, और इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो मैं ऐसे ही किसे कट करूँगी, और डीप फ्राई करना तो आप जानते ही हैं, तो आराम से इसे आप ऑयल में डाल करके आपको मीडियम हाई और मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। लो फ्लेम पे मत कीजिएगा, मीडियम मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा। हाई फ्लेम पे जल जाएगी और मीडियम पे ये ज़्यादा मतलब ऑयल जो है वो मतलब एब्जॉर्ब करने लगती है। तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पर पहले ऑयल को अच्छे से हीट कीजिए, और उसके बाद आपको इसे उसमें फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने, चाहे तो आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, अगर ज़्यादा ऑयल आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो तवे पे हल्का हल्का ऑयल डाल करके आप सेक लीजिए। तो मैं तो यहाँ कढ़ाई में इसे अच्छे से डीप फ्राई कर रही हूँ, जैसा कि आपने देखा है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे करूँगी अच्छे से डीप फ्राई। तो डीप फ्राई हो चुकी है, इसे निकालें। डीप फ्राई करने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर पत्ते, अगर कोई कोई पत्ता बहुत काटने वाला होता है, कोई कम काटने वाला होता है, तो अगर ये थोड़ा सा बहुत काटने वाला काट गले को लगने वाला होगा भी, तो हम जब इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे तो ये गले को नहीं लगेगा। तो एक बेनिफिट इससे ये भी मिल जाती है। वैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप ऑयल ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो आप इसे सेक लीजिए, और आप इसके अंदर में जो खट्टे की जो मात्रा है वो बढ़ा करके रखिए, क्योंकि ये खट्टे पे ही ये गला नहीं नोश नहीं काटेगा, नहीं तो ये गला काटना शुरू करेगा। अब मैं इसी ऑयल में मैं यहाँ पे मस्टर्ड, पीली वाले मस्टर्ड सीड मैंने 1 चम्मच डाली है, और उसी के साथ वो जैसे ही क्रैक कर जाएंगी तो यहाँ पे हम मसाले ऐड कर देंगे। और मसाले को ऐड करने के बाद हमें मसाले को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। और मसाले जो हैं, इसके छींटे बहुत उड़ते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसको ढक्कन लगा करके ही आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है। अगर आप छींटे की वजह से इसे अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो मसाले जो हैं वो आपको कच्चे लगेंगे। तो मसाले को कच्चे नहीं रखना है, हमें इसे अच्छे से करना है फ्राई। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ढक कर के इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है। तो मसाले अच्छे से भून गए हैं, ऑयल इसके निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए हम पानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी 2 कप के करीब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी तब यहाँ पे हमने जो अरबी के पत्ते के जो पकौड़े हमने रेडी किए हैं, वो पकौड़े हम यहाँ पे डालेंगे और उसे हम पकने देंगे 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसे ढक दिया है, और यहाँ पर देखिए कि ग्रेवी जो है वो अच्छे से बबल आ रही है, उसमें बॉयल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसे अब इसमें जो पकौड़े हैं अरबी के पत्ते के, वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। और देखते ही देखते हमारी जो ये अरबी के पत्ते की जो रेसिपी है वो बन करके हो गई है रेडी। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बिल्कुल ये फिश जैसी है, बन करके रेडी हो गई है। ऑलमोस्ट इसकी प्रोसेस भी वही है, सिर्फ हमने जो पत्ते का जो किया है प्रोसेस वो छोड़ दीजिए, तो बाकी फ्राई करना और ग्रेवी मसाले सारे वैसे ही हैं, उस टाइप से ही बन रहे हैं। तो नॉन वेजिटेरियन तो खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को देख करके। वेज वाले के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मतलब पत्ते की सब्जी अच्छी और टेस्टी रेसिपी खाने की। तो देखिए, हमारी तो ये हो गई है रेडी, मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम होने देंगे इसे फ्राई, सॉरी बॉईल होने देंगे, और ये 2 से 3 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से जो पकौड़े हैं वो ग्रेवी को थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी हो जाती है ये। तो मैं इसे ढक देती हूँ, गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ।
तो चलिए यहाँ पे हो गई है, मैंने अब से गैस को ऑफ करके अब हम प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। तो देखिए, देखते ही देखते हमारी जो अरबी के पत्ते की रेसिपी बन करके हो गई है ना रेडी। तो फ्रेंड आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन क्लिक